साथियों सेवा जोहार, मैं बस्तरिया वट्टी दादी। आज के वीडियो में हम रूढ़ी व प्रथा के बारे में जानेंगे। आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में रूढ़ी व प्रथा को समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसे आधा मत देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। साथियों, मेरे चैनल के आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन या घंटी बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूढ़ी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कस्टम या कस्टमरी, रूढ़ी का हिंदी अर्थ प्रमाण या सबूत, प्रूफ या एविडेंस। इसे परिभाषा से अच्छे से समझते हैं। प्रकृति व सत्य से प्रेरित होकर हजारों वर्षों पहले से हमारे पूर्वजों या अपने अपने पुरखों के द्वारा प्रमाणित किया हुआ कोई नेम या नियम को मानते आ रहे हैं, वही रूढ़ी है। और इस रूढ़ी या इस व्यवस्था से जो शासित हैं वे लोग ही रूढ़ीवादी हैं। यह व्यवस्था अलिखित है, यह कहें रूढ़ी एक कुदरती ज्ञान है जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार प्रमाणित कर बता देता है। हम समझ सकते हैं रूढ़ी मतलब कुदरती व्यवहार की विचारधारा के लोग। यहां पर वादी मतलब किसी विचारधारा से संबंध रखने वाला होता है। इसी तरह के कई शब्द जैसे प्रकृतिवादी, विज्ञानवादी, मानवतावादी, समाजवादी, अवसरवादी इत्यादि, ऐसे शब्द हम लोगों को सुनने को मिलते रहता है। एक उदाहरण के माध्यम से रूढ़ी को समझाने का प्रयास करता हूं। प्रत्येक घर में डोकरा खोली होता है, इसको हम मुदिया खोली भी बोलते हैं, इसी को हम भीतर खोली भी बोलते हैं। भीतर खोली मतलब घर के सबसे अंदर का रूम होता है, जहां पर हमारे पुरखों को स्थापित करते हैं, हमारे पंडुम परब या विशेष खास अवसरों में ही डोकरा खोली या मुदिया खोली या भीतर खोली में सेवा अर्जी की जाती है। इस रूम में किसी को भी घुसने के लिए मनाही रहता है। डोकरा खोली या भीतर खोली में हमारे पुरखों का वास होता है, इसीलिए डोकरा खोली या भीतर खोली का खास महत्व है। अब हम चलते हैं कोंटा घोसियो, इसको हम गुड़ा बीती भी बोलते हैं, दुल्हा पेन भी बोलते हैं। दुल्हा पेन यह नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब पुरुष वर्ग से संबंधित है। इसे एक दादी के कई वंशज जो एक गांव या कई गांव में बसे रहते हैं वे लोग ही मानते हैं। इसे अलग अलग गोत्रों में या अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं पर 3 साल, 5 साल, 7 साल इत्यादि के बाद मानते हैं। कोंटा घोसियो या गुड़ा बीती या दुल्हा पे के मार्गदर्शन में विश्वास के तौर पर कोई जानवर जैसे पद्दी या सुअर, वो भी बधिया, सफेद बकरा, काला बकरा, लाल बकरा या चितकबरा बकरा, ऐसे को धुलाते हैं। और इसके बाद गुड़ा बीती या कोंटा घोसियो या दुल्हा पेन का विश्वास देखते हैं। मान लो इस साल सुअर को धुलाते हैं, इसे कुछ
जगहों पर झाड़ू धुलाई भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा साल तक उस कुंदा में दूल्हा प्रेम का विश्वास देखते हैं। उस समय अवधि में कुछ गड़बड़ होता है या संबंधित कुंदा में लटास रहता है तो कोंटागोशियो या गुडबीती या दूल्हा प्रेम उस कुंदा के लोगों को संकेत कर बता देता है या कहीं ना कहीं किसी तरह से प्रमाणित कर बता देता है। मैं अपने कुंदा का एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। जैसे गोयावट्टी लोगों का हमारे गांव में कुल 22 घर अलग अलग गली में दूर दूर स्थित है। दूल्हा पेन कोंटागोशियो या गुडबीती के नाम से झाड़ू दुलाया हुआ पद्दी अपने से ही उन सभी घरों में सुबह रोज जाता है तो सबसे पहले घर का बना भोजन झाड़ू को पहले देते हैं। दूल्हा पेन कोंटागोशियो या गुडबीती ऐसे ही कई तरीके से प्रमाणित कर बताता है। इसी तरह का अलग अलग क्षेत्र में या गोत्र में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसीलिए इस पर ज्यादा व्याख्यान नहीं करूंगा। इसके बाद आखिरी साल यानी तीसरा साल में उस झाड़ू धुलाया पद्दी को दूल्हा पेन कोंटागोशियो या गुडबीती को सेवा देते हैं। वहां पर उस दादी के सभी वंशज लोग इकट्ठा रहते हैं। वहीं पर लाकांज बनता है और बना हुआ लाकांज को अपनी गुडबीती कोंटागोशियो दूल्हा पेन को पहले अर्पण करते हैं और बाद में उस कुंदा के भाई लोग कोंटागोशियो या गुडबीती के मार्गदर्शन के अनुसार उस लाकांज को ग्रहण करते हैं। पावे लोगों के लिए भी धड़ का अलग से हाकड़ा बने रहता है। दूल्हा पेन या कोंटागोशियो या गुडबीती बुढ़ाल पेन का छोटा रूप है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। दूल्हा पेन कोंटागोशियो या गुडबीती बुढ़ाल पेन का छोटा रूप है। हमारे दूल्हा पेन में अभी 8 गांव के लोग शामिल होते हैं। किसी किसी कुंदा या गोत्र में कम गांव भी हो सकता है, इससे ज्यादा गांव भी हो सकता है। ऐसी पेन व्यवस्था अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनुसूचित जाति मतलब एससी वर्ग में भी प्रचलित है। प्रमाणिकता के तौर पर आप देख सकते हैं या इस क्षेत्र में पता कर सकते हैं जो वर्तमान में विद्यमान है। इसे संबंधित कुंदा या गोत्र की शुद्धता के लिए कोंटागोशियो गुडबीती या दूल्हा पेन के मार्गदर्शन में निश्चित समय अंतराल पर मानते हैं। यह अधिकतर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्रों में किसी दूसरे नाम से जानते होंगे या मानते होंगे तो कृपया बताइएगा ताकि हम लोग भी जानेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम बुढ़ाल पेन का पेन ठाना, इसी को हम बोलते हैं पेन कड़ा या पेन कोठार। यह दूल्हा पेन कोंटागोशियो या गुडबीती का बड़ा रूप है। यानी कई दूल्हा पेन कई कोंटागोशियो कई गुडबीती या कई दादी के वंशज लोग उस बुढ़ाल पेन या पेन कड़ा में इकट्ठा होते हैं। जिस गांव में बुढ़ाल पेन का पेन कड़ा होता है उस गांव में संबंधित गोत्र का अलग से पेन कोट या गदिया होता है, जहां पर दादा के दादा के दादा के दादा के दादा लोगों के वंशजों के पेनों के साथ सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जिस तरह हमारे बुढ़ाल पेन का पेन कड़ा में लगभग 40 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। पेन कड़ा में बुढ़ाल पेन या उस गोत्र के प्रमुख पेनों की मार्गदर्शन के अनुसार वहां भी लाकांज व्यवस्था है। उस गोत्र का
बुढ़ाल पेनी सब बताएगा कि कौन लाकांज खा सकता है और कौन नहीं खा सकता। मैं हर चीज को यहां पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी तरह सभी गोत्रों का अलग अलग बुढ़ाल पेन का पेन कड़ा होता है। सभी गोत्रों के पेन कड़ा में सेवा देने की परंपरा कुछ अलग अलग होती है। जैसे कहीं कहीं के पेन कड़ा पर पद्दी, बोकड़ा, कोर इत्यादि चलता है, तो कहीं पेन की मांग के अनुसार दूसरा जानवर सेवा के रूप में देते हैं। सभी गोत्रों के पेन कड़ा में सेवा देने की परंपरा एक समान नहीं रहता, क्षेत्रीयता अनुसार उनके परंपरागत रूढ़ी आधार पर थोड़ा थोड़ा भिन्न रहता है। इसके बाद हम चलते हैं पेन कड़ा के पास। पेन कड़ा के बाद जागा। जागा मतलब स्थान। प्राय सभी गोत्र वालों को अलग अलग जागा होता है। जैसे गोहावट्टी लोगों का जागा कसकोंगा है, इसीलिए कुछ लोग हम लोगों को कसकोंगे वट्टी भी बोलते हैं। तो कुछ मरकाम लोगों का जागा कापसपोटी, तो कुछ मरकाम लोगों का जागा कोपरा, तो कुछ मरकाम लोगों का जागा बरकई, तो कुछ मरकाम लोगों का जागा पावरबेल। इसी तरह कुछ नैताम लोगों का जागा भीरागांव, तो कुछ नैताम लोगों का जागा बहीगांव, तो कुछ नैताम लोगों का जागा खेलाली, तो कुछ नैताम लोगों का जागा सिरपुर इत्यादि होता है। अगर कोई नेता बहीगांव का है तो उसको बहीगया नेताम बोलते हैं, या कोई नेताम भीरागांव का है तो उसको भीरागया नेताम के नाम से ऐसा पुकारते हैं। एक जागा वाले का कई बुढ़ाल पेन या पेन कड़ा हो सकता है। जब हमारे पूर्वज उस स्थान या जागा या संबंधित नार में शुरू से या मूल से निवास कर रहे हैं, लगभग सभी गांवों में अपने अपने जागा का आज भी गायता या पुजारी है, यानी गांव के माटी या जिम्मेदारी न्याय के गायता या पुजारी हैं, जो उनके पुरखा लोग उस नार या गांव को बसाए रहते हैं। उनके प्रथम पुरखा यानी भूमियार किस टप्पी में उस गांव की सीमांकन किए रहते हैं, इसी तरह प्रत्येक नार या गांव का भूमियार अपनी अलग अलग टप्पी से उस गांव की सीमांकन किए रहते हैं। वही भूमियार या पुरखा उनके वंशजों को बता सकते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में नार या गांव संचालित होता है, यानी वहां की नार व्यवस्था चलता है और सभी गांव का अलग अलग भूमियार होता है। मतलब कोयतूर नार का जनक भूमियार होता है। अब जागा के बाद चलते हैं मंडा। यहां पर कई बुढ़ाल पेन या कई पेन कड़ा के अलग अलग गोत्र भाई लोग शामिल होते हैं। मंडा एक प्रकार का मंच होता है। यहां पर मंडा मतलब कुल से है, एक ही कुल के अलग अलग गोत्र भाई, जैसे नैताम, टेकाम, मरकम, परचापी, हिड़को, कुआची, कड़ियाम लोग एक विशेष स्थान पर एकत्रित होते हैं। इन सभी गोत्र समूह का प्रमुख टोटम या कुलचिन या बिर्ध, कछवा या हमूली है। ये सात गोत्र के भाई कभी भी कछुआ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्रकृति के उस जीव को सुरक्षित करते हैं, अपना आराध्य पेन मानकर सेवा करते हैं। और इन लोगों का प्रमुख पुरखा पेन भी एक ही है। इन गोत्र समूह को टोटेम और पुरखा पेन जोड़ता है और ये दोनों चीज इन गोत्र समूह में कॉमन है। इन गोत्र समूह का लिंक कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसीलिए इन सभी लोग एक मंडा में बैठते हैं। इनके मंडा के पेन के मार्गदर्शन अनुसार लाकांश सेवन करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि मंडा सभी गोत्र या इन गोत्र समूह को जोड़ रहा है, सभी गोत्र भाइयों को एक सूत्र में बांध रहा है। यहाँ पर मंडा नहीं टूट रहा है,
बल्कि इसे समझने की जरूरत है। मतलब मंडा में पिता के पिता के पिता के पिता या दादा के दादा के दादा के दादा तक ले जाता है। हम समझ सकते हैं एक मंडा वाले किसी दूसरे मंडा में भाई के रूप में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका पुरखा पेट अलग अलग होता है। लेकिन मंडा अलग अलग है तो अलग अलग मंडाओं का पुरखा पेट एक ही होगा, तभी वे सभी भाई होंगे। वैसे भी कहीं गड़बड़ होने पर मंडा का पेन कहीं ना कभी ना कभी गलती को पकड़ लेगा। साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है गोत्र समान होता है, लेकिन उनका टोटम या कुलचिन या वृद्ध अलग अलग होता है। जैसे गोत्र वट्टी, कुछ वट्टी लोगों का गोत्र गोहिया है तो कुछ वट्टी लोगों का टोटम या कुलचिन बोगड़ा है, तो कुछ वट्टी लोगों का कुलचिन या टोटम बोध मछली है। इसी प्रकार गोत्र मरकाम या मड़कम, तो कुछ मरकाम या मड़कम लोगों का टोटम या वृद्ध कछुआ है। कछुआ भी एक स्थल का होता है और एक जल का होता है। जो स्थल का होता है उसको ढूटा बोलते हैं। तो कुछ मरकाम लोगों का टोटम मगर होता है, तो कुछ मरकाम लोगों का टोटम सांड, तो कुछ मरकाम लोगों का टोटम रायगिद्ध, तो कुछ मरकाम लोगों का टोटम बाघ होता है। इसी प्रकार गोत्र सोरी, तो कुछ सोरी लोगों का टोटम या वृद्ध बोकड़ा होता है यानी बकरा, तो कुछ सोरी लोगों का टोटम बोध मछली, तो कुछ सोरी लोगों का टोटम बाघ। इस तरह से गोत्र एक है लेकिन टोटम अलग अलग होता है। इन लोग अपने अपने प्रमुख टोटम या कुलचिन या वृद्ध को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्रकृति के उस जीव को सुरक्षित करते हैं, अपना अपना आराध्य पेन मानकर सेवा करते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि गोत्र समान होते हुए भी इन सभी लोगों का प्रमुख टोटम या कुलचिन या वृद्ध एवं पुरखा पेन अलग अलग है। इसीलिए अक्सर बुजुर्ग सियान लोग सबसे पहले गोत्र पाड़ हज कटक को मिलाते हैं। गोत्र एक समान नहीं होना है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी गलती ना करे। इस तरह से बुजुर्ग सियानों के मुंह से हम लोग सुने हैं या सुनते रहते हैं। अपने अपने मंडक के अनुसार पावे भी होते हैं जिनका रोल अहम रहता है और वहां की पेन व्यवस्था को संचालित करने में भी अहम योगदान होता है। इसके बाद हम चलते हैं गढ़, जहां पर हमारे पुरखे लोग या उस कुल के लोग गढ़ व्यवस्था संचालित किए थे। कालांतर में गढ़ से निकलकर दूसरे क्षेत्रों को प्रस्थान किए और उधरी बसते गए। जैसे मैं हीरागढ़िया हूं और मेरा गढ़ है हीरागढ़। इसी प्रकार किसी का गढ़ लांजीगढ़, किसी का गढ़ दमदागढ़ है, तो किसी का मंडलागढ़, तो किसी का चांदागढ़, तो किसी का भमरागढ़ इत्यादि होता। इस तरह अपना डोगरा खोली या मुदिया खोली या भीतर खोली से लेकर कोंटा गोसियो गुडा बीती दुल्हा पेन से लेकर बुढ़ाल पेन यानी पेन कड़ा से लेकर जागा से लेकर मंडा से लेकर गढ़ तक लिंक मिलते जा रहा है। यानी अपने पिता के पिता के पिता के पिता के पिता या अपने दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा तक ले जाता है, यानी अपनी पुरखा तक ले जाता है। अब चलते हैं हम लोग कोंडेल पेन, इसको हम लगार पेन भी बोलते हैं, इसी को लग्गा पेन भी बोलते हैं, इसी को कुंडी बुची बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
यह महिलाओं की लाइन की पेन व्यवस्था है, इनकी भी अलग से पेन व्यवस्था अनुसार लाखन व्यवस्था होता है। पुरुषों की तरह इन लोग भी अपनी माँ के माँ के माँ के माँ या अपनी नानी के नानी के नानी के नानी लोगों को याद करती हैं, उनकी सेवा अर्जी करती हैं, यानी अपनी माँ की माँ की माँ की माँ की बेटियां एक जगह बैठती हैं। कोंडेल पेन, लगार पेन, लग्गा पेन या कुंडी बच्ची पेन की मार्गदर्शन अनुसार अपनी माताओं की सेवा अर्जी करती है, इन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार लाखन ग्रहण करती हैं। इन लोग भी 3 साल 5 साल 7 साल इत्यादि के बाद मानती हैं। कोंडेल पेन, लग्गा पेन या लगार पेन या कुंडी बच्ची पेन में दूल्हा पेन की तरह धुलाने की परंपरा नहीं है, लेकिन सेवा के रूप में जैसे पद्दी या सुअर, वो भी करांच, काला बकरी, सफेद बकरी, लाल बकरी, चितकबरा बकरी या उनके कोंडेल पेन या लग्गा पेन या लगार पेन या कुंडी बोची पेन की मार्गदर्शन अनुसार सेवा देती हैं। क्षेत्रीय अनुसार कोंडेल पेन हो या लग्गा पेन हो या लगार पेन हो या कोंडी बोची पेन की सेवा पद्धति में उनके परंपरागत रूढ़ी आधार पर थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है। कोंडेल पेन हो या लग्गा पेन हो या कुंडी बिछी पेन हो या लगार पेन भी कुछ गड़बड़ या लटास होने पर उन्हें प्रमाणित कर बतलाती है। एक माँ की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटियां जहां जहां फैली रहती है, उन सभी लोगों को कोंडेल पेन, लग्गा पेन, लगार पेन, कुंडी बुची पेन कई तरह से प्रमाणित कर साक्षात बताती है या जनाती है। यह महिलाओं की लाइन की यानी अपनी माँ की माँ की माँ की माँ की लाइन वाली इस महिला वर्ग की शुद्धता के लिए कोंडेल पेन, लगार पेन, लग्गा पेन, कुंडी बुची पेन की मार्गदर्शन में ही निश्चित समय अंतराल में मानती हैं। इस तरह कोंडेल पेन भी उनके बच्चियों की अपनी माँ के माँ के माँ के माँ के माँ तक या अपनी नानी के नानी के नानी के नानी के नानी तक ले जाती है। कोंडेल पेन या लगार पेन या कुंडी बुची पेन में भी ऐसी पेन व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी प्रचलित है। प्रामाणिकता के तौर पर देख सकते हैं या उस क्षेत्रों में पता कर सकते हैं जो वर्तमान में विद्यमान है। यह अधिकतर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग या उड़ीसा के नवरंगपुर जिला के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा शोध का विषय है। यह व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में होगा तो अवश्य बताइएगा। अब कईयों के मन में सवाल आता होगा कि हमें तो कोंटा गोसियो, गुड़ा बीती या दुल्हा पेन और कोंडेल पेन कुछ भी प्रमाणित कर नहीं बताता। इसका कारण ऐसा भी हो सकता है, वे लोग गुड़ा बीती, कोंडेल पेन के पेन व्यवस्था से बहुत दूर हो चुके होंगे या अपने अपने दुल्हा पेन या कोंडेल पेन को अच्छे से नहीं जानते होंगे, इसीलिए नहीं मानते होंगे, या हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था को अंधविश्वासी कहकर कोंटा गोसियो या गुड़ा बीती या दुल्हा पेन एवं कोंडेल पेन को मानना छोड़ दिए होंगे या इसे छोड़कर अन्यत्र में दूर चले गए होंगे, या इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। यह जिसके मन में सवाल आता होगा वे ही चिंतन मनन कर बता सकते हैं, पर यह बहुत अच्छा सवाल है। अब चलते हैं सल्ला गागरा, नाम आप सुने होंगे, बहुत प्रचलित नाम है। सल्ला गागरा मतलब उत्पन्न होने की शक्ति, सल्ला गागरा मतलब पिता माता, नर मादा, धन ऋण, इसे ऐसा भी कह सकते हैं माता पिता, आयाल बाबू, ऋण धन,
अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि, इनके बिना पृथ्वी में किसी भी जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। यही प्रकृति के सृजन करता है और हम लोग प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति के सात रंग यानी सप्तरंगी रंग एवं प्रकृति के वास्तविक चीजों को मानने वाले हैं सल्ला गागरा यानी पिता माता। सल्ला गागरा यानी पिता माता के बदौलत आज हम इस दुनिया में हैं, इसीलिए हमारे माता पिता को याद करते हैं, इनकी सेवा जी करते हैं। पुरुषवर अपने पिता के पिता के पिता के पिता के पिता या अपने दादा के दादा के दादा के दादा को याद करते हैं यानी सल्ला शक्ति को याद करते हैं। ठीक इसी प्रकार महिला वर्ग अपनी माँ की माँ की माँ की माँ की माँ या अपनी नानी के नानी के नानी के नानी को याद करती है यानी गागरक शक्ति को याद करती है, अर्थात अपनी मातृत्व शक्ति को याद करती है। मतलब हमारे लोग दुल्हा पेन कोंटोगोशियो या गुडबीति का बड़ा रूप बुढ़ाल पेन और कोंडल पेन शक्ति को मानते हैं। यह गोंडवाना लैंड में सल्ला गागरा के मोनों पर फिट बैठता है। प्रकृति संतुलन तभी बना रहेगा जब नर मादा समान रूप से विद्यमान हो। किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए गागरा सल्ला गागरा अर्थात पिता माता का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना प्रकृति में जीवन असंभव है, यही सत्य है। अब मैं आप लोगों को रूढ़ी के बारे में बताया, अब मैं बताता हूं प्रथा, जिसको हम चलन भी बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में कस्टम या कस्टमरी। रूढ़ी परंपराओं को ज्यों का त्यों मान लेना ही प्रथा है, या जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है वही प्रथा व चलन है। ध्यान रहे कि प्रथा या चलन में हमारी संपूर्ण पेन व्यवस्था और सेवा पद्धति किसी प्रकार प्रभावित ना हो, मतलब अक्षुण्य बना रहे, समय के प्रभाव से जिसका महत्व कम ना हो, अटूट बना रहे, स्थायी रहे, सदैव या हमेशा रहे, क्षीण ना हो, इसे ध्यान देना है और अपनी रूढ़ी परंपराओं को अच्छे से मानना है, यही संकल्प लेना है। आप देखे होंगे कि रूढ़ी व प्रथा एक दूसरे से स्पर्श करता हुआ शब्द है, इसलिए ज्यादातर लोग रूढ़ी व प्रथा को एक साथ बोलते हैं। क्षेत्रीयता अनुसार उनके परंपरागत रूढ़ी आधार पर थोड़ा थोड़ा भिन्न रहता है। यहां पर केवल दुल्हा पेन यानी कोंडल पेन नहीं, दुल्हा पेन या कोंटोगोशियो या गुडबीति का बड़ा रूप बुढ़ाल पेन एवं कोंडल पेन को एक उदाहरण के रूप में बताने का प्रयास किया हूं। इसी तरह मूल वासियों में कई प्रचलित नेग नियम मिलेंगे जो हजारों वर्षों पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, जिसे कोई एक किताब में नहीं लिखा जा सकता। इस कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में रूढ़ी व प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा एक शब्द रूढ़ी व प्रथा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13(3) का में कहा गया है विधि मतलब कानून या नियम या व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि मतलब कानून का बल रखने वाला कोई अध्यादेश आदेश उपविधि नियम विनियम अधिसूचना रूढ़ी व प्रथा है, ऐसा कहता है। गांव में अक्सर एक कहावत प्रचलित है, आप सुने भी होंगे, जैसे पिता वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। उसको छत्तीसगढ़ में हम कैसे बोलेंगे, जैसन बाप वैसन बेटा, जैसन दाई वैसन बेटी। उसको हम गोंडी में बोलेंगे बदान बाबो अदान मरी,
बदान याया अदान मिया, इसको इस तरह से भी गोंडी में बोला जाता है, बदान बाबा हराल अदान मर हराल, बदान याया हाड़ी अदान मिया। इस कहावत का सीधा सा मतलब है पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, यानी दादा के दादा के दादा के दादा के दादा एवं माँ के माँ के माँ के माँ के माँ के माँ या नानी के नानी के नानी की नानी तक ले जाता है, यानी अपनी अपनी पुरखा तक ले जाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो साधारणतया लोग उसकी आंख नाक आदि के आकार प्रकार की समानता उसके माँ बाप दादा दादी नाना नानी आदि से खोजते हैं। उपरोक्त कहावत के अनुसार बच्चे में मिलाते हैं। कई कहावतों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि संततियों यानी संतानों के लक्षण उनके जनकों यानी जन्म देने वाले के समान होते हैं। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जनकों के लक्षण उनके संततियों में संप्रेषित होते हैं। इसे और आसान शब्दों में आप बोल सकते हैं, माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। इस कहावत का वैज्ञानिक प्रयोग 18वीं शताब्दी में शुरू हुए। बाद में इन कहावतों या सिद्धांतों का स्पष्टीकरण 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक ग्रेगोर जोहान मेंडल ने 1865 में किया। इसके परिणाम स्वरूप एक नए विज्ञान अनुवांशिकी का जन्म हुआ। ये जो किताब है अनुवांशिकी के आधार यानी फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। मेंडल ने सन 1857 से मटर के बीज से सबसे पहले अध्ययन करना शुरू किया। इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मटर के पौधे का जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है, इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देखने के लिए केवल 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है। अगर इसी जगह मानव पर रिसर्च करते तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देखने के लिए लगभग 20 वर्ष का समय लग जाता और कई पीढ़ी को रिसर्च करते करते स्वयं मर जाते। इसीलिए मटर के पौधे का चयन किया। 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद सन 1865 में मेंडल ने अपना शोध पत्र ब्रून मतलब ऑस्ट्रेलिया के चेकोस्लोवाकिया की प्रकृति विज्ञान सोसाइटी में पढ़ा। यह शोध पत्र सन 1866 में सोसाइटी की वार्षिकी प्रकृति में छपी। ग्रेगोर जोहान मेंडेल के अनुसार जनकों के लक्षण उनके संततियों में संप्रेषित होते हैं, मतलब माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। मेंडेल ने उस कहावत को स्पष्ट कर दिया। लेकिन मेंडेल की खोजों का महत्व उनके समय के वैज्ञानिक नहीं समझ सके। मेंडेल के समकालीन वैज्ञानिकों ने उनके कार्य एवं निष्कर्षों की घोर उपेक्षा की या निराधार या अवहेलना की, और सन 1900 तक इन नियमों पर आगे कोई भी काम नहीं किया गया। यहां तक कि स्वयं मेंडल ने भी अपने निष्कर्षों का ना तो प्रचार प्रसार किया और ना ही उनसे संबंधित और आंकड़े जुटाए। और मेंडल की मृत्यु सन 1884 में हुई, जबकि उनके निष्कर्षों की पुनः खोज एवं उचित मूल्यांकन होने में अभी भी 16 वर्षों की देर थी। मेंडेल के काम की पुनः खोज सन 1900 में या मेंडेल के नियमों का पुनरुद्धार 3 वैज्ञानिकों हॉलैंड के डीव्रीज, जर्मनी के कोरेंस और ऑस्ट्रिया के
सर मार्क ने उस समय स्वतंत्र रूप से की जब वे स्वयं अपने स्वतंत्र अध्ययनों से उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे जिन पर 35 वर्ष पूर्व मेंडेल पहुंच चुके थे। इस प्रकार संसार या दुनिया को मेंडेल के नियमों का ज्ञान 1900 में ही हो सका। इसके बाद मेंडेल के नियमों की न केवल पुष्टि हुई बल्कि उनके आधार पर एक नए विज्ञान अनुवांशिकी का आरंभ हुआ। इसीलिए मेंडेल को अनुवांशिकी का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। मेंडेल ने हमारी जीवन दर्शन में प्रचलित कहावत जैसे पिता वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी से स्रोत लेकर दुनिया में अनुवांशिकी का जनक बन गया। उस कहावत को स्पष्ट कर बता दिया कि उस कहावत में वैज्ञानिकता है। उसने प्रूफ कर पूरी दुनिया को बता दिया। मैं उस महान वैज्ञानिक को सैल्यूट करता हूं और हमारे समाज पर गर्व करता हूं जिनके जीवन दर्शन की कहावत में वैज्ञानिकता है। ऐसी कहावत की तरह हमारे गोंडीपाटा में एक कहावत प्रचलित है जो महिलाओं के गोंडीपाटा के दौरान कभी कभी सुनने को मिलता है। ये वाक्य भी हमें बहुत सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यह गोंडी वाक्य है, हैला मिया रिश्ता नाता तू जाटा टोंडा लेकर हिक्के हक्के कड़पा हकीनता। इसका हिंदी अर्थ है, बहन बेटियां या बेटी माई लोग रिश्ता नाता को सेमिनार की तरह इधर उधर क्रॉस करती हैं, ऐसा हम लोग गोंडी पाटा में सुनते हैं। साथियों, मैं जरूर कुछ गलत हो सकता हूं, लेकिन वो प्रचलित कहावत क्या गलत है? और वो प्रचलित गोंडी पाटा या गोंडी वाक्य क्या गलत है? जबकि हमारी कहावतों, गोंडी पाटा और कहानियों में हमारा जीवन दर्शन छुपा है। हमें गहन चिंतन मनन करने की जरूरत है। इन पर हम सभी को शोध एवं अध्ययन की आवश्यकता है। साथियों, मेरी इस वीडियो में बताने के दौरान कुछ कमियां या त्रुटियां हुई होंगी, तो कृपया उन कमियों एवं त्रुटियों पर आप लोगों का उचित सुझाव एवं मार्गदर्शन सादर आमंत्रित है। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस्तरिया वट्टी दादी की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा 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 मान।